जिनका हमें समय से मतलब उपयोग मिलता है। आदरणीय हमारे राम अवतार मंत्री जी, आदरणीय आजाद मुनि जी, जिनका स्नेह प्रेम हमें मिलता रहता है, आर्य समाज के प्रधान जी कौशाध्यक्ष जी, सामने बैठी हुई सभी मातृशक्ति, आर्य जगत के मूर्धन्य विद्वान आचार्य सुश्रुत श्याम श्रमी जी, जो पानीपत से आपके सम्मुख पधारे हैं, आर्य जगत के विराट भजन उपदेशक, भारतीय आर्य भजन उपदेशक परिषद के महामंत्री डॉक्टर कैलाश जी कर्मठ, और हमारे साथ बहुत सुंदर संगति ग्रहण कर रहे हैं आदरणीय राजकुमार जी, सभी ध्यान से श्रवण करेंगे कवि ने कर्ण फिलोसफी के ऊपर क्या लिखा है। भले बुरे कर्मों के जन्म में जिस कर्म को पहचान नहीं, विषयों का ना किया त्याग, पशु न हो इंसान नहीं। भले बुरे कर्मों के जन्म में गंगा नहाने जाते हैं तो नहा के व्रत कर आते हैं, गंगा नहाने जाते हैं तो नहा के व्रत कर आते हैं, बैंगन लोट की पेठे की सब्जी आकर नहीं खाते हैं, बैंगन लोट की पेठे की सब्जी आकर नहीं खाते हैं, बकरा मुर्गा भेड़ मील विश्की को चट कर जाते हैं, विश्की को चट कर जाते हैं, फिर भी भला चाहते हैं, फिर भी भला चाहते हैं, इतना भोला भगवान नहीं, विषयों का ना किया त्याग, पशु है साथ नहीं, बोले कर्मों की रखते जिस सर को नहीं, विषयों का ना किया त्याग, पशोर वो साथ नहीं, अरे बुरे कर्मों की रखते। एकादशी पूर्णमासी व्रत करना खूब निभाया है, एकादशी पूर्णमासी व्रत करना खूब निभाया है, सुबह से लेकर शाम तक अन्ना बिल्कुल भी खाया है, सुबह से लेकर शाम तक अन्ना बिल्कुल भी समय बिताया है, पी कर समय बिताया है, जिसने जगत रचाया है, जिसने जगत रचाया है उस पर पिता का ध्यान नहीं, विषयों का ना किया त्याग, पशुओं को साथ नहीं, बुरे कर्मों की जगत में ईश्वर को पहचान नहीं, विषयों का ना किया त्याग, पशुओं को साथ नहीं, बुरे कर्मों की पछताना है,
फिर पीछे पछताना है। राहो समय कीमत था, राहो समय कीमत था, पर ध्यान दिया ना गई खुशियों भरा दिया त्याग, खुशूर कोई साथ नहीं। अरे बुरे हर मौकी जग में जिसका यो पहचान नहीं, खुशियों का ना किया त्याग, खुशूर कोई साथ नहीं। अरे बुरे कर मौकी जग में, इसीलिए हमें अपने जीवन में शुभ कर्मों को करते रहना चाहिए और अशुभ कर्मों से हम भी बचे, यही सिद्धांत है। मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय आदरणीय मुनि जी से, आज के कार्यक्रम को गति देंगे। सभी का धन्यवाद। ओ, आप सुन रहे थे प्रिय भूपेंद्र प्रेमी जी से कि हम जीवन में कुछ प्राप्त करने आए, परमात्मा ने हाँ जी प्रधान जी जो है पारितोषिक ग्रुप में 100 रुपये प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए दे रहे हैं, और मंत्री जी भी हमारे 100 रुपये बेटे को दे रहे हैं। हम इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके शुभ कर्मों के द्वारा इस परमात्मा की सृष्टि में आनंद प्राप्त करने आए, सुख लेने आए, और यदि केवल मात्र हम विषयों के सुख में ही चले गए तो जीवन बेकार चला गया। ये ऐश्वर्य सुख परमात्मा ने हमारे भोगने के लिए दिए हैं, परंतु यदि ये भोग हमें भोग लेते हैं तो जीवन का आनंद क्या हुआ। आइए आप आधा घंटे के लिए हमारे प्रेमी जी, इन्हीं के पूजनीय पिताजी जो प्रातःकाल भी यज्ञ के बाद और कल रात्रि को भी जिनको आपने सुना और निरंतर इसी तरह से हाँ हमारे इस वेद प्रचार के मुख्य अतिथि सम्माननीय श्री मधुकांत जी अग्रवाल मुंबई से और संजय जी अग्रवाल दिल्ली से, दोनों ही जिन्होंने इस आयुष मास की स्थापना के लिए इनके पूर्वजों ने बड़ा सहयोग दिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी कर्तन ध्वनि से अपने अतिथियों को स्वागत करते हैं। ओ आधा घंटे के लिए हमारे सम्माननीय श्री प्रेमी, धन्यवाद। बोलिए संत सनातन गाय दिग्धारण की, चेतना आ जाए। हमारे अग्रवाल परिवार के मुखिया दोनों अतिथि यहां पर विराजमान है, वैदिक विद्वान सुश्री जी महाराज, मंच का सफल और कुशल संचालन कर रहे श्री मुनि जी, बड़े ही सम्मानित वर्तमान में इस पवित्र आर्य समाज के प्रधान जी बब्बर साहब, श्रद्धे राम अवतार जी, हमारे प्रिय मंत्री महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय, विद्यालय परिवार, मेरी माता और बहनों भाई, आर्य जगत के महोपदेशक, क्रांतिकारी भजनोपदेशक, हमारे परिषद के महामंत्री कैलाश कर्मठ जी, मैं चाहता हूं कि इनके सम्मान में जरा एक बार जोरदार तालियां बजाकर के स्वागत करने का काम करें। यौं शराबी ने कहा कि लुत्फ मैं खाते नहीं, ध्यान दीजिए,
यौ शराबी ने कहा कि लुत्फ मैं खाने में, झट जुवारी ने कहा पासे के पड़ जाने में, नर्तिका ने यूं कहा मजा नाच दिखलाने में, ये पाकिस्तान का कोड है कश्मीर के कब जाने में। पर अपनी अपनी सब कहे लेकिन मजा कुछ भी नहीं है, मनुष्य सच्चा मजा ईश्वर के गुण गाने में है। ताली बजा तो जोरदार बननी चाहिए भाई, लेकिन सच्चा मजा ईश्वर के गुण गाने में है। सीटी कम करो उसकी भाई सीटी। कभी ना प्रभु का तुमने जाप किया, बुरा ही विचारा सदा पाप किया, कभी ना प्रभु का तुमने जाप किया, बुरा ही विचारा सदा पाप किया, नर्तन पाप कर ये क्या किया, कभी ना कभो तुमने किया बेचारा सदा पास किया, नर्तन पास कर कभी ना कभो तुमने किया बेचारा सदा पास किया। और चाहता हूं एक
सनातन वैदिक धर्म की ऋषि वर्ग नमः।